दोस्तों अभी आप लोग हमारा YouTube सेटअप देख सकते हो कैसा है। थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह थोड़ा सा ट्रिक लगाने के बाद आप लोग अभी हमारा YouTube सेटअप देख सकते हो कैसा है। और आप लोग भी इसे कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में इस प्रकार के YouTube सेटअप आप लोग बना सकते हो। तो कैसे क्या करना है आइए देखते हैं। मगर उससे पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और प्यारा से एक कमेंट करना। तो चलिए बताता हूँ कि इस प्रकार के सेटअप रूम आप लोग भी कैसे बना सकते हो। मगर हाँ गाइस पूरा वीडियो वॉच करना, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा स्किप कर देते हो तो इस प्रकार के सेटअप रूम जो है आप लोग तैयार नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तो चलिए वीडियो में बने रहना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को उस प्रकार के यूट्यूब सेटअप बनाने के लिए किसी भी वीपीएन को कनेक्टेड करना होगा। अब क्या करना है कि आप लोगों को कैपकेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक करना और आप लोगों को किसी भी ब्लैक पर्दे पर भाई अपना जो वीडियो उसे शूटिंग कर लेना होगा, जिस प्रकार से मैंने किया था। अब क्या करना है कि आप लोग जिस वीडियो को शूटिंग की होगी उस वीडियो को यहाँ पर एड जो है कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो मेरा जो वीडियो ऐड हो चुका है। अब क्या करना है कि भाई इसे पहले क्रॉपिंग वगैरह करना, आप लोग जहाँ से करना चाहते हो तो हमारा वीडियो यहाँ से कर लेते हैं क्रॉपिंग। और यहाँ पर देख सकते हो इसे कट करना, और भाई मैं उतना बड़ा नहीं रखूँगा, इतना छोटा ही रखता हूँ जिससे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अच्छा सा, ठीक है। और इसके पीछे का जो वाटर मार्क है इसे डिलीट करना। अब क्या करना है कि यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना और यहाँ पर भाई फोटो वाले से आप लोगों को इस प्रकार का जो बैकग्राउंड होगा उसे ले लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पहले वाले वीडियो पर क्लिक करना, इसे इधर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ओवरले वाले पे क्लिक जो है कर लेना है। और ये वीडियो भाई यानी कि ये बैकग्राउंड पीछे चला जाएगा, तो इसे जब तक आपका वीडियो रहेगा जहाँ तक वहाँ तक रख लेना। अब क्या करना है कि इस वीडियो वाले पे क्लिक करना, इसे इधर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड रिमूव इस वाले पे क्लिक करना, ऑटो रिमूवल वाले पे क्लिक करना। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा अप्लाइंग ऑटोमेटिक चल रहा होगा, तो ये भाई कम्प्लीटली होने देना, तब आपका जो यूट्यूब सेटअप है ये आप पर देख सकते हो एक क्लिक में बन गया। और आप लोगों को भाई आप लोग उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने प्रोफेशनल माइक लगाया था उस प्रकार से आप लोगों को उस माइक का पीएनजी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले लेना। और यहाँ पर एड ओवरले वाले पे क्लिक करना, यहाँ पर भाई फिर से आ जाना अपने गैलरी में आ जाओ। तो आप क्या करना है कि आप लोगों को जिस पीएनजी को माइक को ऐड करना उसे लेकर यहाँ पर एड वाले पे क्लिक करना, यहाँ पर एडजस्ट वगैरह करके यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने रख लिया। और इसका भी लेंथ आप लोगों को जितना बड़ा वीडियो रहेगा उतना बड़ा ही रखना। अब क्या करना है कि गाइस इधर करने के बाद अगर आप सब यहाँ पर प्ले करके चेक कर सकते हो तो हमारा वीडियो देख सकते हो कितना प्रोफेशनल तरीका से लग रहा है। और आप लोग भी इसी प्रकार से अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड जो वो चेंज कर सकते हो, कितना प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। आप लोग चाहते हो तो इसमें कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो, तो मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ दिखा दिया कि किस प्रकार से वीडियो का बैकग्राउंड चेंज किया जाता है और अपने लोग प्रोफेशनल भाई सेटअप कैसे वन क्लिक में बना सकते हो। यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट करना, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।